लगता है फिल्म मेकर्स ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उनका सर काट देना चाहिए? क्योंकि कुछ नेता ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे फिल्म मेकर्स को तो बीच रास्ते पे लाके फांसी दे देना चाहिए। जो बैन कर रहे उस स्टेट को, वो जो भी है ना, जो इंडियन नहीं रहेंगे वो पाकिस्तानी रहेंगे। हमें बताया है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं और इसी तरह जब ही रियल में जरूरत लगती है लेडीज को तभी तो कोई आगे आता नहीं है। कोई भी टाइप की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा वगैरह, हिंदू मुसलमान। सर मूवी देखी कैसी लगी? कैसी थी सर मूवी भाई, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। क्या कुछ देखने मिला इसमें? क्या कुछ देखने मिला इसके अंदर, क्या सीखने मिला? हिंदू मुसलमान का सब बढ़िया। How was the movie, ma'am? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर कैसी थी मूवी, कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। क्या बोलना चाहोगे मूवी के बारे में? कैसी थी सर मूवी? बढ़िया बढ़िया। क्या कुछ बोलना चाहोगे मूवी के बारे में? बढ़िया मूवी है, सबको देखना चाहिए। ओके गाइस, कैसी लगी मूवी? एक नंबर। How was the movie guys? Very good. So awesome movie. बाकी घर में गाइस कैसी लगी मूवी? Guys good. How was the movie guys? कैसी लगी मैम मूवी? रियल में स्टोरी है ओके, पर जब ही रियल में जरूरत लगती है लेडीज को तभी तो कोई आगे आता नहीं है। उसके ऊपर ही फिल्म बनाई गई है। रियल स्टोरी है, कुछ अच्छी है, काफी उसमें सीख है। लेडीज के लिए बहुत सारी कम एज की लड़कियां, काफी देखो अभी आगे क्या होगा। कुछ ऐसा है मूवी में जिसकी वजह से इसको बैन कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही मूवी? नहीं नहीं है। 5 में से स्टार्स देना होगा तो कितने दोगे आप? 5। थैंक यू गाइस। कैसी लगी मूवी, कुछ बोलोगे? अच्छी लगी। क्या कुछ क्या सिखा रही मूवी आपको? क्या बताऊं, बोलोगे सर? इंडिया में हर जगह इस मूवी को दिखाना चाहिए और मोस्टली गर्ल्स, गर्ल्स को बहुत सोच समझ के, जितने भी अपने इंडिया में जो लेडीज हैं मैं उनको निवेदन करूंगा कि ये मूवी जाके देखे। लेकिन कुछ स्टेट्स में इसको बैन कर दे रहे हैं। सो जो बैन कर रहे उस स्टेट को, वो जो भी है ना, जो इंडियन नहीं रहेंगे वो पाकिस्तानी रहेंगे। अच्छा, जो भी बैन कर रहे हैं इंडियन स्टेट में बैन हुई है मूवी, वही बोल रहा हूँ ना, जो स्टेट में जो बैन कर रहे हैं ना वो इंडियन लोग नहीं रहेंगे, वो पाकिस्तानी रहेंगे। मूवी में कुछ ऐसा है भाई जिसकी वजह से मूवी को बैन करना चाहिए? नहीं तो मुझे भी जरूर नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। और सबको देखना चाहिए। और जितने भी इंडियन है जो भी इंडिया को इस फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ओके, एंटी मुस्लिम है ये मूवी? हाँ, एंटी मुस्लिम है ये मूवी। एंटी मुस्लिम का मुझे कुछ धर्मवाद की कुछ ये नहीं है। ओके, खाली सबको मतलब अपने, आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, आपने देखा है? ना, ना, आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। नहीं, मैं खुद नहीं बोलता हूँ, मैं तो जनता से बताता हूँ कि कैसी है मूवी, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है। आप वीडियो बना रहे हो, आप एक बार अपना खुद का बताओ। मैं यूट्यूब पर, हमारा चैनल है बी इंडियन क्रिएटर करके, उसको बता दे। क्या कैसे लगी सर आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। गाइस कुछ बोलोगे? क्या बोलना? मुझे तो लगता है कि हर लड़की ने देखना, ये मूवी देखनी चाहिए। और इस पर ये बैन लगा यार, ये तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इनमें बताया है कि कोई मुस्लिम लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं और इसी तरह केरल में जो स्टोरी हुई ये बाकी जगह पर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ये मूवी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी मतलब पाकिस्तान ऐसे देशों में दिखानी चाहिए। इसी वजह से जो मतलब जो लड़कियों पर अत्याचार होता है वो रोक सके और किसी की जान इतनी भी सस्ती है कि कोई इसके साथ खिलवाड़ करे। अच्छा, इसी वजह से किसी भी धर्म को टारगेट कर रही है क्या? नहीं, ऐसे कोई इसमें कोई भी ऐसा संदेश या कुछ भेजा नहीं है कि तो किसी मुस्लिम धर्म के बारे में कोई गलत अफवाही है, सिर्फ रियलिटी बताई गई है। अच्छा, इसमें कैसे कैसे लड़कियों के साथ गलत हुआ। अच्छा, इसके लिए मुझे बताया। अच्छा, ऐसा होता है इसीलिए बताया गया है। कोई भी टाइप की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा वगैरह? हिंदू मुसलमान की ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में जो उनका कट्टरपंथ जो होता है ना, कट्टरपंथ बताया गया है। अच्छा, और उनका रियल है और हिंदू लोग में सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो ज्यादा ऐसा भावना में बहते नहीं है, इसकी वजह से फंस जाते हैं। और उनको बचपन से इतने छोटे होते हैं तब से उनको सिखाया जाता है कि यही करना यही करना है, उनका पहले से ऑलरेडी ब्रेन वॉश रहता है और फिर वो दूसरे का भी ब्रेन वॉश करते हैं। इस वजह से ऐसा होता है।
मेरा मानना ये है। ओके, क्या कुछ खास लगा आपको इस मूवी में? मुझे अच्छा लगे कि मैं तो जानता हूँ ज्यादा करके ये ऐसा ही होता है, उन लोगों में इतना सा छोटा बच्चा रहता है उसको पता रहता है कि ये पहनना है वो पहनना है, हिजाब करना ये करना। हमारे बच्चे हम प्यार से रखते हैं तो चलो तुम खेलो कूदो तुम मौज मस्ती करो जीवन का आनंद लो भगवान का नाम लो, उसमें कोई बरजबरी नहीं रहती है, इनको बरजबरी रहता है, उनकी लेडीज में बरजबरी रहता है। फिल्म में कुछ ऐसा है और वो बोल रहे थे कि हिजाब पहनने से अल्लाह उनकी रक्षा करता है, अगर अपनी सोच अच्छी हो तो छोटे कपड़े पहनने वाले लड़कियों को भी हम अच्छी नजर से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर आदमी होता है ना, जो भी आदमी होता है ना आदमी उसकी आंख में होता है पर्दा, पर्दा लगा दोगे तो भी जो गंदा काम करने वाले तो भी करेगा क्योंकि उसके दिमाग में गंदगी है। फिल्म मेकर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? फिल्म मेकर ने ठीक किया है, अच्छा बनाया है, इसने मैसेज दिया। और बहुत सारी हमारी जो हिंदू लड़की होती है जो आजकल जो धर्म को नहीं मानती है, जो सोचती है कुछ नहीं होता भगवान वगैरह, क्योंकि उनके माँ बाप भी ऐसे है ना, जैसे आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे नहीं मानते ज्यादा, हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, तो वो सोचते हैं कि चलते खाओ पियो ऐश करो मौज करो। और उन लोगों में मैंने बताया था कि उन लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, इनके उनको तालीम मिलती है, हमारी हिंदू लड़कियों को या बच्चे लोगों को तालीम ज्यादातर नहीं मिलती है। फिल्म देखने के बाद जैसे वो मुस्लिम लोगों को मतलब बच्चों को उनके धर्म के बारे में बचपन से ही सिखाया जाता है, वैसे ही हमारे हिंदू बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। जो लोग अपने हिंदू लड़के को मतलब बच्चों को अपने माता पिता के साथ वो इसमें जाते हैं मस्जिद में जाते हैं, उससे उसके अलावा अगर वो अपने बच्चों को अपने हिंदू मंदिरों में लेकर जाए उनको अपने हिंदू मंदिर की संस्कृति के बारे में बताया जाए तो ये गलत काम होने से कई मतलब पाबंदी लग सकती है मेरे समान में। आपको लगता है फिल्म मेकर्स ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उनका सरकार देना चाहिए? क्योंकि कुछ नेता ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे फिल्म मेकर्स को तो बीच रास्ते पे लाके फांसी दे देना चाहिए। नहीं, इन्होंने जो बताया ना ये गवर्नमेंट पहले की जो गवर्नमेंट थी ऐसी पिक्चर कभी वो लोग अलाउ नहीं करते थे, जब कश्मीर फाइल आई ये क्यों आई? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है बराबर, इसलिए ऐसी पिक्चर भी आती ही रहेंगी, सच उजागर होते ही रहेगा। और ये रियलिटी है, जैसे मुगल शासन से लेके अभी तक अत्याचार हो ही रहा था, अभी भी हो रहा, अभी थोड़ा अभी बीजेपी गवर्नमेंट में सब डर रहे, इसीलिए ऐसा अभी पिक्चर कैसे ओपन हो रही है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी इसीलिए आए पिक्चर देखने के लिए। पहले ऐसी पिक्चर देखने को कहाँ मिलती थी? सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को टारगेट करते थे, पहले ऐसी पिक्चर आती थी और अभी सच्चाई सब बता रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है इस मूवी के बाद से कुछ भी बदलाव आएगा समाज में? हाँ जरूर आएगा, क्योंकि सब लोग देखेंगे तो कुछ तो परिवर्तन ही होगा होगा, क्योंकि रियलिटी जब सामने आती है तो लोग सोचते हैं अंदर भाव से सोचते हैं। और यही सा है, अपने जो हिंदू लोग रहते हैं वो थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो तो भावना में फ्लो फ्लो में देखते हैं, अगर वो देखेंगे और सोचेंगे मुझे जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा ही। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा मूवी के बाद? बदलाव आना चाहिए मेरे, लेकिन अभी देखो दिमाग लोगों के दिमाग के ऊपर है, पहले से कुछ सीखे नहीं है तो क्या समझेंगे। अभी पिक्चर देखने के बाद शायद उनके मन में कुछ भावना जागे, ऐसा हो सकता है तो थोड़ा लोग सेफ हो जाएंगे। कलाकारों का काम कैसा लगा? कलाकार तो देखो सब नए, मैं तो किसी को ज्यादा जानता नहीं, लेकिन जो उन्होंने बताया सब अच्छा लगा है। अच्छा लगा। और ये स्टोरी शायद होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता होगा। कहीं से लगा गाइस आप लोग को कि स्टोरी को मैनिपुलेट करके ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की गई है? स्टोरी को तो मतलब हमें भी पता नहीं था कि स्टोरी रियल है कि नहीं, ये भी पता नहीं है। लग रहा है रियल है, क्योंकि हमने पहले भी सुना है पिक्चर बनाई गई है, उनको डर नहीं लगता होगा कैसे हम दिखा रहे हैं? जान से मारने की धमकी मिली क्रू मेंबर्स को? मिली ना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई तो दिखा रहे हैं ना ये लोग, तभी क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है ना गवर्नमेंट का भी। क्या बताओ लोगों को उजागर, खुद बोल रहे हो, बताओ उजागर करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करते हुए दिख रही है क्या ये मूवी? कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का सपोर्ट हो गया, समझ नहीं। जो रियलिटी है जो दिखाया गया है वही सब। एक बात बताओ, एक बात, इसमें सिर्फ तीन लोगों की कहानी बताइए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ इन्हीं में सब खराब होते हैं, हिंदू लोगों में भी ऐसा होता होगा, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ होता है, ऐसा नहीं खराब नहीं होता। धर्म का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी का नियत खराब होता है, वो कोई भी, मैं भी हिंदू भी हो सकता है मुसलमान भी हो सकता है कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कट्टरपंथ जो बोलता है वो हिंदू लोग में नहीं है। कट्टरपंथ बोलते हो ना कि हमको ये करना है तो करना है, वो उन लोगों में है, ये तो मैंने भी देखा है, तो उसमें से उनको रास्ता मिलता आगे जाने का। गलत करने किसी का किसी एजेंडे को सपोर्ट करते हुए दिख रही है क्या ये मूवी? नहीं, मुझे तो इसमें नहीं लगा कुछ एजेंडा वगैरह, तो कुछ नहीं, जो केरला का स्टोरी बताया है तो हम बस देखने आया था और वो देखा हमने। लास्ट क्वेश्चन गाइस, 5 में से स्टार्स देना होगा तो कितने दोगे?
मैं दूंगा 4 स्टार। 4 स्टार क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से 1 स्टार नहीं दे रहे हैं? ठीक है, अभी कुछ 5 तो नहीं दे सकता डायरेक्ट स्टोरी, मतलब 5 में से मैं भी ओके ना 4 दे सकता हूँ, क्योंकि अगर स्टोरी थोड़ी सी और ब्रीफ में होती ना तो थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आता, क्योंकि इसमें उस लड़की ने कहानी सुनी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, अगर कुछ हाँ वो भी है, क्योंकि प्रोसेस अगर बताई जाती है ना कि कैसे वहाँ से मतलब बाहर पहुंचते तो वो अच्छा रहता। देखो सर, आज अपना देश 75 साल हो गया आजाद हो गए, कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल एक व्यापारी आदमी हूँ, तो ये जो चले आ रहा है तो आपने क्या पूछा था मेरे से 2 मिनट पहले? किसी प्रोपोगेंडो को सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल का इसमें कुछ नहीं है, ये एक बताया कि जो हुआ है और कोई भी धर्म जाति के साथ होता है। मीडिया में ऐसी एक बातें उठ रही है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है मूवी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं केरला में, इसके लिए इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं तो दूसरी पार्टी का भी ये मानना रहता है कि वो उनके दिखाया ना अपना कुछ, वो भी तो अपना कुछ बताया कि हम सच्चे हैं, वो भी तो कुछ बता सकते हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोग दूसरी पार्टी के लिए तो पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम क्या करना है हिंदुस्तान में, जो रियलिटी हुआ इसमें, जो रियलिटी हुआ ये नहीं बनोगे सबके साथ, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है वो बताया गया है, तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, प्रोपोगंडा वाला कुछ चीज नहीं है, जो है वो बताया, और शायद इसमें थोड़ा मिलाया होगा स्टोरी, तो पिक्चर तो ऐसे नहीं बनेगी, तो पिक्चर 3 घंटे में ये लोग कितना बता पाएंगे, 3 घंटे में तो पूरा दुनिया नहीं बता पाएंगे ये लोग। हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बिगाड़ती है ये मूवी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी वो सिर्फ बता रहे, बाकी कुछ इसमें भाईचारे नहीं, और ऐसे थोड़ी कि हर मुस्लिम वैसे ही है, हर एक तो नहीं है, कुछ मुस्लिम ऐसे भी है, मेरे भी कुछ दोस्त है कि वो हिंदू धर्म को भी अपने तरह मानते, वो भी हमारे साथ फेस्टिवल जो हिंदू फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते, ऐसे नहीं कि सब मुस्लिम वैसे ही है, और जो कुछ लोग है कि उन्हें हिंदू राष्ट्र मुस्लिम बनाना है, या कुछ मतलब उनकी मुस्लिम लोगों का राष्ट्र ये बनाना है, ऐसे लोग तो है कुछ। फिल्म मेकर्स बोल रहे हैं ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म टेररिस्ट के खिलाफ है, एक जो एजेंडा चल रहा था उसके खिलाफ है। सही बात है, देखा पिक्चर में, इसमें टेररिस्ट से भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, वो जो सीरिया वगैरह का दिखा है जो पहले हो चुका है वही इसमें बताया, जो न्यूज में वगैरह हमने देखा था सब ऐसे होता था तो दिखाया गया इसमें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, आप लोगों ने अपना टाइम दिया।